Zoom इस्कोटेको, Zoom इस्कोटेको। फराह खान ने मनाया अपने ट्रिपलेट्स का फर्स्ट बर्थडे और इस स्पेशल बैच में फराह की खुशी में शामिल होने पहुंचे बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे। तो कैसा रहा इंडस्ट्री के इन चहीते क्यूटीज का फर्स्ट बर्थडे, चलिए देखते हैं स्टोरी में। फराह ने तीनों बच्चों को पैदा किया और एक साल गुजर भी गया है एंड इट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इट्स वेरी स्पेशल डे फॉर फराह एंड शिरीष। ऐसे लगता है कल ही मैं हॉस्पिटल में था जब वो पैदा हुए थे, देखने गया था। आई एम श्योर इट्स अ वेरी स्पेशल डे इन द लाइव्स ऑफ फराह एंड शिरीष। व्हेन दे वर बोर्न आई मेड लाइक यू नो मेड लाइक वेरी क्यूट क्लोथ्स फॉर देम, इंडियन क्लोथ्स, इंडियन एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स फॉर देम। आज मेरे घर पे सुबह से पार्टी चल रही है। फराह के ट्रिपलेट्स के पहले बर्थडे पर इन बच्चों को विश करने आया पूरा बॉलीवुड। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब फराह के ट्रिपलेट्स की खबर आई थी, लेकिन इस खबर को भी हो गया एक साल। सभी सेलेब्स को था इस बात का ताज्जुब। एक्चुअली ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड में गई है जर्नी। मुझे लग रहा है कि अभी मुझे याद है कि आप लोग एक साल पहले ही देयर वाज अ स्टैम्पीड इन जसलोक हॉस्पिटल जब शाहरुख आया था और मेरी माँ ने कहा था कि नीचे स्टैम्पीड हो रहा है एंड आई कुडंट फील एनीथिंग। But it's gone really fast. बहुत अभी खुश हैं कि I can't believe it, एक साल ऑलरेडी हो चुका है तीनों बच्चों का। एक साल अभी याद है कि जब तीनों बच्चे पैदा हुए थे, it was a moment of great happiness for all of us. माना जा रहा था कि बच्चों को विश करने कुछ बॉलीवुड स्टार्स अपने बच्चों के साथ आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ सेलेब्स आए अपने दोस्तों के साथ तो कुछ अपने स्पाउसेस के साथ। कुछ को तो अकेला आना ही गवारा था। करण जौहर आए अकेले अपने सबसे करीबी दोस्त शाहरुख के बिना और लग रहे थे बिल्कुल कैजुअल। हम शाहरुख के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे भाई हैं, ही इज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। टू टॉक अबाउट हिम वुड जस्ट सीम्स वेरी स्ट्रेंज। शाहरुख इज माय फैमिली। जायद खान पार्टी के लिए परफेक्टली ड्रेस्ड अप होकर आए मगर बिना अपनी वाइफ मलिका के। आई एम हियर फॉर फराह्स kids birthday, she's celebrating, of course, you know, she must be really happy. So all her close friends are here and we are here, we're just having a good time. अपने पुराने लुक से एकदम अलग रितेश देशमुख पार्टी के लिए दिखे बिल्कुल चार्ज्ड अप। ऐसे लगता है कल ही मैं हॉस्पिटल में था जब वो पैदा हुए थे, देखने गया था। And I wish them lots of love, lots of luck. करिश्मा कपूर भी आई अकेले। सोचा तो ये था कि वो अपनी नन्ही बेटी को यहाँ जरूर लाएंगी, लेकिन करिश्मा को यहाँ अपने दोस्तों का साथ मिल गया। Well, it's a very special day for Farah and Shirish and for the triplets and we've come to wish them a very, very happy birthday and all the best. यहाँ पहुँचे कुछ happening couples भी। अमृता अरोरा आई अपने बॉयफ्रेंड शकील के साथ। रवीना काफी cheerful मूड में अपने पति के साथ आई और ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप शर्ट में फरदीन अपनी वाइफ नताशा के साथ नजर आए बेहद खुश। Happy birthday, three of them. I'm sure it's a very special day in the lives of Farah and Shirish. मलाइका अरबाज से पहले पार्टी में पहुंची। थोड़ी देर बाद अरबाज भी पार्टी में शामिल होने पहुंचे और साथ में लाए बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स। फर्स्ट बेडिंग सूट इज बीइंग प्रेजेंटेड टू द किड्स विद अ कपल ऑफ यू नो एक्सेसरीज एंड ऑल दैट। फराह खान के बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए बॉलीवुड के कई सितारे आए, लेकिन कमी महसूस हुई तो सिर्फ शाहरुख खान की। अब फराह खान का कोई फंक्शन हो और शाहरुख खान वहां ना हो, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। खैर जो भी हो, उम्मीद है कि शाहरुख फराह को खुश करने का कोई और तरीका ढूंढ ही निकालेंगे। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ रोमा श्रीवास्तव, जूम मुंबई।